अफवाहें थी कि मैं बीमार हूँ, अफवाहें थी कि मैं बीमार हूँ, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को यह कहना ज़रूरी है कि यह वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट लेक्चर वीडियो ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे फंक्शन किसको कहते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनीसन के बारे में जानते हैं कि फंक्शन किस तरह से डिफाइंड किया जाता है। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ए एंड बी एक ऐसा सेट है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट लिखा हुआ है, नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है वह सेट जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अंडर दिस कंडीशन, अंडर दिस कंडीशन ईच एलिमेंट ऑफ ए, ध्यान दीजिएगा, ईच एलिमेंट ऑफ ए, ए का प्रत्येक एलिमेंट हैज मैप्स विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ध्यान दीजिएगा, मैप्स विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तब हम कहते हैं कि एफ एक फंक्शन है जो ए से बी के तरफ डिफाइंड है। और इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, एफ इज दिस टू दिस, तो इसको पढ़ते हैं, एफ इज ए रूल और फंक्शन, एफ इज ए रूल और फंक्शन फ्रॉम फ्रॉम ए टू बी, याद रखिएगा। एफ इज क्या पढ़ते हैं इसको, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब देखते हैं कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। अब देखते हैं वन वन, वन वन का कितना टाइप होता है, तो दो टाइप होता है, वन वन अन टू, वन वन इन टू। ध्यान से देखिएगा, वन वन का दो टाइप होता है, वन वन अन टू, वन वन इन टू। इसी तरह से मेनी वन फंक्शन का भी कितने टाइप होता है, दो टाइप होता है, मेनी वन इन टू और मेनी वन अन टू। अब ध्यान देना है कि फंक्शन को हम लोग किस तरह से पहचानते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन और नॉट। और ये क्वेश्चन आप लोग दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको जांच करना है कि यह फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन के लिए, फंक्शन के डिफिनेशन में ही बताए हैं कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, अंडर दिस कंडीशन ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ मैप्स विथ यूनिक एलिमेंट्स ऑफ बी। ईच एलिमेंट ऑफ ए मतलब इधर लिखना होगा ईच, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ मैप्स विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट को मैप करेगा, तो वह वन वन होगा और ना तो फंक्शन होगा और नहीं तो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन को पहचानने का क्या टेक्निक हो गया कि अगर फंक्शन ए से बी के तरफ डिफाइंड रहेगा तो इसका यह अर्थ निकलेगा कि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ मैप्स विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ देखिए, ए का एलिमेंट वन बी के यूनिक एलिमेंट फाइव को मैप कर रहा है, ए का एलिमेंट टू बी के यूनिक एलिमेंट सिक्स को मैप कर रहा है, ए का एलिमेंट थ्री बी के यूनिक एलिमेंट सेवन को मैप्स कर रहा है, ए के एलिमेंट फोर बी के एट एलिमेंट को मैप कर रहा है, मतलब एट एलिमेंट्स ऑफ बी को मैप कर रहा है। इस तरह से हम लोग यह समझ गए कि यह फंक्शन किस तरह का है। तो इधर से वन वन, ये वन वन को मैप कर रहा है, तो ये कौन किस तरह का हो गया, वन वन, मतलब कहने का मतलब है इधर का कोई एलिमेंट है जो बचना नहीं चाहिए। चलिए ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, वन टू थ्री, वन का इमेज है फाइव, टू का इमेज सिक्स और थ्री का इमेज सेवन। तो इधर इधर होता है यूनिक, बी का यूनिक एलिमेंट को मैप करना चाहिए और इधर ईच एलिमेंट, तो ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी, यह पॉसिबल नहीं है, इस कंडीशन फेल हो गया। क्यों, क्योंकि चार एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई इधर इमेज नहीं बनता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह फंक्शन नहीं है, बात समझे। ए ए में तीन
फोर एलिमेंट है, तो एक का इमेज 5, दो का इमेज 6, थ्री का इमेज 7, लेकिन फोर का इमेज नहीं है, तो इसलिए यह फंक्शन नहीं है। याद रखिए, इधर अगर एक भी एलिमेंट का इमेज नहीं बनता है तो यह फंक्शन नहीं होगा। चलिए ये देखते हैं, ये देखते हैं, एक का इमेज है 5 यूनिक इमेज, टू का इमेज है यूनिक 5, थ्री का इमेज है 5, फोर का इमेज है 5। समझिए, फिर से समझिए, ध्यान से समझिए, वन है तो वन का इमेज 5 है, यूनिक है, मतलब इधर हो गया ईच, इधर हो गया ईच, इधर हो गया यूनिक। तो हम यह कहना चाहते हैं कि इधर ईच एलिमेंट ऑफ ए, माने ए का प्रत्येक एलिमेंट का इधर यूनिक एलिमेंट है, इमेज है, यूनिक इमेज मिल रहा है, तो इस तरह से यह फंक्शन है। और ई फंक्शन था, ये फंक्शन था, वन वन को मैप कर रहा है, वन वन को, तो वन वन। लेकिन इधर देखिए, बहुत मतलब एक से अधिक, एक से अधिक एक को मैप कर रहा है, तो एक से अधिक को बोलते हैं मेनी, आ इधर वन, तो ये हो गया मेनी वन। फिर से समझिए, ये हुआ, ये हुआ वन वन, वन वन को मैप कर रहा है, वन वन को मैप कर रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन। लेकिन ये बहुत सारा माने एक से अधिक एक को मैप कर रहा है, तो इधर बोलेंगे मेनी वन, तो ये कौन फंक्शन हो गया, मेनी वन फंक्शन। और ये कौन फंक्शन हो गया, वन वन फंक्शन। ये कैसा है, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, तो ए के प्रत्येक एलिमेंट का इधर यूनिक इमेज मिलना चाहिए, यहाँ चार है, चार का इमेज ही नहीं है, इसलिए यह फंक्शन नहीं है। इसमें देखते हैं कि यहाँ कंडीशन होता है ईच, इधर कंडीशन होता है यूनिक। तो देखिए, यहाँ ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, लेकिन एक का इमेज 4 और एक का इमेज 5 है, माने एक का इमेज 4 और 5 दोनों हो गया, इसलिए ईच कंडीशन क्या हो गया, फेल हो गया। फिर से समझिए, फिर से समझिए, डिफिनीशन होता है फंक्शन का कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, अगर फंक्शन ए से बी के तरफ डिफाइंड है, तो ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी, माने ए के प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलना चाहिए। यहाँ एक है तो एक का इमेज है 4, और एक का इमेज है 5, और एक का इमेज ही 6 है, यानी एक का 3 गो इमेज है, आ रहना चाहिए यूनिक इमेज। तो यहाँ इस कंडीशन फेल कर गया, इसलिए यह फंक्शन नहीं है। बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये देखिए, ये फंक्शन है या नहीं, तो इसको पहचानेंगे फंक्शन को। तो देखिए, ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच कंडीशन, ईच इधर क्या, यूनिक। तो देखिए, यहाँ ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी अकॉर्डिंग टू डिफिनीसन ऑफ फंक्शन। फंक्शन का डिफिनीशन होता है कि फंक्शन अगर ए से बी के तरफ डिफाइंड है, तो ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। देखिए, एक का इमेज 5, टू का इमेज 6, थ्री का इमेज 7, फोर का इमेज 8। इधर एक एलिमेंट बच गया या दो एलिमेंट बच गया, उससे हमको बस नहीं है, लेकिन इधर एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि ईच कंडीशन पास और यूनिक कंडीशन पास, तो यह फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, तो वन वन को मैप कर रहा है, तो इसलिए कौन फंक्शन कहलाएगा, वन वन फंक्शन। चलिए ये देखते हैं, ये फंक्शन है या नहीं। इधर लिखते हैं, अगर फंक्शन ए से बी के तरफ डिफाइंड है, तो ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी। तो देखिए, फंक्शन ए से बी के तरफ डिफाइंड है, तो ईच एलिमेंट ऑफ ए, तो एक है तो एक का इमेज 5, एक ही इमेज है, दो का इमेज 5, एक ही इमेज है, मतलब यूनिक इमेज है, थ्री का इमेज है 6, फोर का इमेज है 6। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ईच कंडीशन भी पास है और यूनिक कंडीशन भी पास है, तो इसलिए ये भी फंक्शन है। लेकिन फंक्शन कैसा है, देखिए, दो का को मैप कर रहा है, दो इधर, दो एक को मैप कर रहा है, यानी एक से अधिक है, तो एक से अधिक को मेनी बोलते हैं, इसलिए यह कैसा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन। यानी ये मेनी वन फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है, और ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, तो ये भी वन वन फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, और ये कैसा फंक्शन है, तो ये भी वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन है, और ये फंक्शन नहीं है। चलिए, तो इधर से हम लोग तो समझ गए कि ये वन वन है, आई मेनी वन है, यानी डोमेन के तरफ से देखते हैं वन वन और मेनी वन, आ को डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन, आ इसको बोलते हैं को डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन, आ इसको बोलते हैं को डोमेन। तो डोमेन के तरफ से देखते हैं वन वन और मेनी वन, और को डोमेन के तरफ से देखते हैं ऑन टू और इन टू।
अगर सभी का प्री इमेज इधर हो, सभी का प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज अगर इधर मिल गया तो इसका लगा अनटू। इसका मतलब हो गया कि अगर सभी में तीर लगा हुआ है, सभी में तीर लगा हुआ है तो अनटू। अगर एक भी एलिमेंट बचता है इधर से, तो एक भी एलिमेंट बचता है तो कहलाएगा इनटू। फिर से देखिए, ये कोडोमेन है, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज इधर है, तो इसीलिए यह अनटू है। इधर से राइट साइड की तरफ से देखेंगे, यहाँ देखिए इसके प्रत्येक एलिमेंट का, इसमें एक एलिमेंट है इसका इमेज है, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, तो ये अनटू कहलाएगा। इधर से अनटू देखते हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी देख लीजिए, प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज इधर है, इधर कोडोमेन के प्रत्येक, इधर से राइट साइड कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इधर प्री इमेज है। पाँच का प्री इमेज एक है, छः का प्री इमेज दो है, सात का प्री इमेज तीन है, आठ का प्री इमेज चार है, लेकिन नौ का प्री इमेज नहीं है। तो एक भी अगर एलिमेंट बचा हुआ रहेगा तो इसको बोलेंगे इनटू। तो यह कौन फंक्शन है, इनटू फंक्शन। इधर अभी कौन फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। तो राइट साइड से देखते हैं अनटू इनटू, राइट साइड की तरफ से क्या देखते हैं, अनटू इनटू, और लेफ्ट साइड के तरफ से देखते हैं वन वन है या मेनी। तो इसका पूरा कंप्लीट नेम लिखेंगे, तो इधर से देखिए वन वन को मैप कर रहा है, तो ये वन वन हुआ। और इधर से प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज इधर है, तो इसलिए ये कैसा फंक्शन है, तो ये वन वन अन टू। बात समझे ना, यह कैसा फंक्शन है, तो यह है वन वन अन टू। अच्छा ये बताइए, इधर से देखेंगे तो बहुत एलिमेंट एक ही को मैप कर रहा था, इधर से हुआ मेनी वन। आ इधर जो एलिमेंट है वो सब इसका प्री इमेज इधर है, तो इसका मतलब इधर से अन टू हो गया, अन टू इधर से हुआ, आ इधर से मेनी वन हुआ। तो क्या हो गया यह फंक्शन, मेनी वन अन टू। कैसा फंक्शन है, मेनी वन अन टू। बात समझे ना, इधर से हुआ मेनी वन, इधर से हुआ अन टू। तो ये कैसा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन। और ये फंक्शन है ही नहीं, तो इसके टाइप्स में नहीं जाएंगे, ये भी फंक्शन है ही नहीं। अब देखिए इधर देखिए, अब इधर देखेंगे तो इधर देखिए, इधर से हो गया वन वन, और इधर से देखेंगे तो एक एलिमेंट बचा हुआ है, तो इसलिए अन टू नहीं होके यह कति होगा, इन टू होगा। तो जब इन टू हो गया तो यह कैसा फंक्शन कहलाएगा, वन वन इन टू। क्या कहलाएगा यह, वन वन इन टू। ये बताइए, तो इधर से हो गया मेनी वन, आ इधर से अन टू होगा कि इन टू, तो एलिमेंट बचा हुआ है तो ये हो जाएगा इन टू। तो क्या लिख देंगे, मेनी वन इन टू। बात समझ रहे हैं ना, तो इस तरह से फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं आप लोग समझिए, फंक्शन चार प्रकार के होते हैं, वन वन अन टू, वन वन इन टू, मेनी वन अन टू, मेनी वन इन टू। और पहचान करने के भी सिखा दिए। एक नोट देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वन को दूसरा लफ्ज में बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, नाम है वन वन का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव। और अन टू का दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव। और वन वन अन टू का दूसरा नाम क्या है, बाइजेक्टिव। याद रखिएगा, वन वन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, अन टू को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव, वन वन अन टू को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि सो डैट फंक्शन जो है, जो कि रियल से रियल के तरफ डिफाइंड है, माने एक फंक्शन है जो रियल से रियल के तरफ डिफाइंड है, सच डैट एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू। और कह रहा है कि साबित कीजिए, शो कीजिए, प्रूव कीजिए कि यह कैसा फंक्शन होगा, वन वन एन टू। कोई भी प्रश्न का फंक्शन का अगर बाई फिगर बनाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। देखिए फंक्शन किधर है, रियल से रियल के तरफ डिफाइंड है, तो ये बना लिए। और रियल के केस में हमेशा एग्जाम्पल के रूप में जीरो लीजिए, वन लीजिए, माइनस वन लीजिए, टू लीजिए, माइनस टू लीजिए, थ्री लीजिए। तो वही एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू दे रखा है, तो एफ जीरो लिए तो थ्री इंटू एक्स का वैल्यू जीरो प्लस टू, तो आया टू, जीरो मैप किया टू को। एक्स एक्स इक्वल टू वन लिए तो वन लिए और इसको सॉल्व किए तो थ्री इंटू वन प्लस टू, तो इक्वल टू कितना आ गया, फाइव, यानी वन किसको मैप कर गया, फाइव को। इसी तरह से अगर टू लेते हैं तो थ्री इंटू टू प्लस टू, तो कितना आ गया, एट, तो टू किसको मैप किया, एट को। इसी तरह से माइनस वन लेते हैं तो माइनस वन किसको मैप करेगा, वन को। और माइनस टू लेंगे तो सॉल्व करने के परिणाम स्वरूप आएगा माइनस फोर, माइनस टू माइनस फोर को मैप किया। तो देखिए यहाँ फिगर से ही स्पष्ट हो रहा है, हम सिखाए हैं समझाए हैं कि इधर से हो गया वन वन, इधर से वन वन को मैप कर रहा है, तो वन वन। और रियल नंबर के केस में दो और पाँच के बीच में बहुत सारा रियल नंबर है, बहुत सारा रियल नंबर है, लेकिन इस रियल नंबर का इधर इमेज है। जैसे दो और पाँच है तो दो पाँच के बीच में तीन है, चार है, तो ये सभी का
प्री इमेज इधर है। अगर समझना है तो ध्यान से देखिए, y बराबर क्या होता है एफ एक्स, है ना, और y बराबर एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है, तो एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है 3x+2। कोई कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ 3 है, 3 का इमेज नहीं है, तो 3 है तो y का काम करेगा, ये x के काम करेगा, तो y की जगह 3 रख देंगे, इधर हो गया 3x आई प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 3-2=3x, तो 1 गुना से भाग में आ जाएगा, तो 1/3=2x। क्या बताइए इधर 1/3 है या नहीं है, यहाँ 1/3 है चूँकि रियल नंबर है, तो यहाँ 1/3 है, यानी 3 का इमेज 1/3 है। तो कहने का अर्थ है कि इधर से हो गया 1 आ, इधर से प्रत्येक एलिमेंट जितना एलिमेंट है सभी एलिमेंट का इधर प्री इमेज है, किसके वजह से, रियल नंबर के वजह से, रियल नंबर है इसीलिए। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इधर से 1 हो गया आ, इधर से कची हो गया 2 हो गया, तो इसीलिए फंक्शन वही लिखा हुआ है कि इसलिए फंक्शन 1-1 2 होगा। इसी बात को भाषा में लिख दिए हैं कि बाई फिगर BC डैट ईच एलिमेंट ऑफ आर अकोन आर द डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं को डोमेन, है ना। तो देखिए बाई फिगर BC डैट ईच एलिमेंट ऑफ आर किसका लेंगे, डोमेन का, हैव यूनिक इमेज इन आर अकोन आर में, तो को डोमेन में, एंड ईच एलिमेंट ऑफ आर को डोमेन हैव प्री इमेज इन आर डोमेन, हेंस एफ इज क्या हो गया 1-2। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि यह कैसा फंक्शन है 1-1 2। चलिए आगे देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं NCERT का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए, जो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है सो डैट द फंक्शन एफ इज ए फंक्शन r*to r*, मतलब सिंबल दे दिया है रियल नंबर का, स्पेशल सिंबल दे दिया, डिफाइंड बाई f(x=1/x), मतलब फंक्शन है कि r*r*to r डिफाइंड है और f(x=) क्या दे रखा है 1/x, इज 1-1 2। एक यहाँ तक एक क्वेश्चन है 1-1 2, वेयर r* इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो, ध्यान दीजिएगा ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर के मतलब आप सभी रियल नंबर ले सकते हैं, किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर, एक क्वेश्चन यहाँ तक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी में है, इज द रिजल्ट ट्रू, क्या यह रिजल्ट सत होगा इफ़ द डोमेन r* इज रिप्लेस्ड बाई n, मतलब डोमेन जो ये है डोमेन r* है, इसके जगह कह रहा है कि r* के जगह अगर n रख दे, n का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर रख दे, तो क्या यह रिजल्ट सही होगा। तो आइए हम देख लेते हैं, दो पार्ट में क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट में फंक्शन है से रियल के तरफ डिफाइंड है, तो रियल के केस में 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 ये सभी ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ही कह दिया है कि रियल नंबर लेना है, सभी रियल नंबर लेना है, लेकिन नॉन जीरो रियल नंबर लेना है, इसका मतलब जीरो को छोड़कर, वही लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r*, मतलब r इज नॉन जीरो रियल नंबर। चलिए f(x) बराबर क्या दे रखा है 1/x, तो f1 लेंगे तो 1 आएगा, 1 मैप किया 1 को, f2 लिए तो 2, तो इस फार्मूला पर रखेंगे तो 1/2, 2 मैप किया 1/2 को, -1 लिए तो -1 को मैप किया, -2 लिए तो -1/2 को मैप किया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह कैसा फंक्शन है 1-1 2, क्यों, क्योंकि इधर से हो गया 1-1, इधर से हो गया 1-1 और इधर से हो गया 2, ध्यान दीजिएगा रियल है, तो रियल है तो इधर का प्रत्येक एलिमेंट कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसका प्री इमेज इधर मिल जाएगा, काहे कि इधर रियल नंबर है, बात समझे ना। तो इस तरह से यह कैसा फंक्शन हो गया 1-1 2। इसी क्वेश्चन में कहा था कि जहाँ डोमेन है इसको डोमेन बोलते हैं, डोमेन में रियल नंबर है उसको नेचुरल कर देना है। तो देखिए नेक्स्ट फिगर बना, सब चीज़ वही है, खाली रियल के जगह नेचुरल कर दिया, तो नेचुरल में 1, 2, 3, 4, चूँकि डिफिनीशन होता है नेचुरल नंबर के, दोज नंबर विच स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4 सो ऑन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो इसीलिए क्या कह देंगे कि f(x=1/x), तो f1 लिए तो 1 को मैप किया, 2 लिए तो 1/2 को मैप किया, 3 लिए तो 1/3 को मैप किया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इधर ध्यान दीजिएगा, इधर इधर नेचुरल नंबर है,
इधर रियल नंबर है। इधर अगर कोई एलिमेंट ले लेते हैं, इधर कोई एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ ले लिए, या हम मान लीजिए इसे ले लिए फोर, सपोज कीजिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ कितना ले लिए एलिमेंट, फोर ले लिए, तो क्या डिफिनीसन होता है, डिफिनीसन क्या होता है, तो डिफिनीसन होता है कि y इक्वल टू कितना होता है, एफ एक्स। जब y इक्वल टू एफ एक्स होता है और y को रहने दिए और एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है 1/x, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ई 1/y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग y का वैल्यू कितना लिए हैं, वन का, y का वैल्यू कितना ले रहे हैं, तो वो y का वैल्यू ले रहे हैं, मान लीजिए फोर ले लिए, y का वैल्यू यहाँ फोर ले लिए, हाँ फोर लिए हैं, y का वैल्यू फोर लेंगे तो इधर हो जाएगा 1/4 = x। तो देखिए इधर रियल नंबर है तो सब एलिमेंट है, लेकिन x, x तो इसमें आया, डोमेन में आया, और डोमेन में आया था क्या, डोमेन में 1/4 होगा, डोमेन में 1/4 नहीं होगा, इसलिए इधर हर एक एलिमेंट का इधर प्री इमेज नहीं बनता है, इसलिए इसमें बहुत सारा ऐसा एलिमेंट है जिसका ये प्री इमेज इसमें नहीं है, मतलब यह एलिमेंट इधर का खाली है, इसलिए हम कहेंगे इधर कुछ एलिमेंट बच गया है, इसलिए हम कहेंगे कि यह इनटू है कि अनटू, तो इनटू है, इसलिए हेंस एफ इज 1/1 but not unto। इसका मतलब हो गया कि फंक्शन जब रियल से रियल के तरफ रहता है तो 1/1 1/1 unto होगा, लेकिन अगर रियल के जगह अगर नेचुरल नंबर रख देते हैं तो यह 1/1 1/1 होगा but not unto। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। बात समझे ना, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें दे रखा है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो हम पहले ही बता दिए हैं कि 1/1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, 1/1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, और अनटू को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव बोलते हैं। फिर से समझिए, 1/1 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, अनटू को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। तो क्वेश्चन में दे रखा है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब हम लोगों को साबित करना है कि बताइए कि इसमें कौन 1/1 है और कौन अनटू है, मतलब कौन इंजेक्टिव फंक्शन है और कौन सर्जेक्टिव फंक्शन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल गिवेन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमेशा क्वेश्चन को जब भी बनाइए तो फिगर से बनाइए, फंक्शन का क्वेश्चन इजी में बनेगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा। फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल टू नेचुरल, तो इधर भी 1 2 3 4 होगा, इधर भी 1 2 3 4 होगा, नेचुरल नंबर 1 starting from 1 2 3 4। जब 1 लेते हैं तो 1 आया, तो 1 1 को मैप किया, 2 लिए तो 4 आया, 2 4 को मैप किया, 3 लिए तो 9 आया, 3 9 को मैप किया, 3 9 को मैप किया, बात समझ रहे हैं ना, 3 9 को मैप किया और 3 9 को मैप किया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इधर तो 1 1 है, इधर तो 1 1 है, लेकिन इधर अनटू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 सभी होगा, यहाँ 2 और 3 का प्री इमेज इधर नहीं मिलेगा। जब 2 और 3 का प्री इमेज नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, चूँकि y बराबर क्या होता है, एफ एक्स, और y बराबर एफ एक्स, और y का वैल्यू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर से इधर क्या आ जाएगा, रूट, यहाँ एक्स, और y का वैल्यू अगर 3 ले लेते हैं, y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू √3 आ जाता है, यानी 3 के लिए √3, जो √3 इधर नहीं है। इस तरह से इधर प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन का प्री इमेज डोमेन में नहीं है, इसलिए हेंस यह सिर्फ 1 1 है, अनटू नहीं है, और 1 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं, ध्यान से समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, एफ एक फंक्शन है जो जेड से जेड के तरफ डिफाइंड है गिवेन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले फिगर बना लेंगे, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, तो जेड में होता है सेट ऑफ इंटीजर 0 ±1 ±2 ±3, इसलिए लिख दिए 0 +1 -1 +2 -2, सो इधर भी होगा 0 +1 -1
सो ऑन। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जीरो लेंगे तो जीरो को मैप किया, वन लेंगे तो वन को मैप किया, माइनस वन लेंगे तो माइनस वन के स्क्वायर प्लस वन, ये भी वन को मैप किया, टू लेंगे तो दो का स्क्वायर चार, तो ये फोर को मैप किया, माइनस टू लेंगे तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर, इसी का मैप किया। तो इस तरह से देखते हैं इधर कि इधर वन वन नहीं है, इधर मेनी वन है। आ इधर देखिए, इधर ऑन टू नहीं है, इधर इन टू है, चूँकि जीरो है, वन है, माइनस वन, टू, माइनस टू, सभी नंबर है, सभी का प्री इमेज इधर नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि यह फंक्शन है ना जो वन वन फंक्शन नहीं है, यह फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे एफ इज नॉट वन वन, एफ इज नॉट वन वन एंड 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 एफ इज नॉट ऑन टू, मतलब यह फंक्शन न ही वन वन में है और न ही ऑन टू है। बात समझे ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है कि फंक्शन है, फंक्शन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, ध्यान दीजिएगा रियल की किस में, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो रियल में बहुत सारा नंबर है, जीरो, वन, प्लस वन, माइनस वन, प्लस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, हर तरह का फंक्शन है ना। तो इस तरह से अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जीरो लेंगे तो जीरो के स्क्वायर जीरो, वन लेंगे तो वन के स्क्वायर वन, माइनस वन लेंगे तो माइनस वन के स्क्वायर प्लस वन, टू लेंगे तो टू के स्क्वायर फोर, माइनस टू लेंगे तो माइनस टू के स्क्वायर फोर। इस तरह से देखते हैं, जीरो जीरो को मैप किया, वन भी वन को मैप किया, एक्स स्क्वायर है, माइनस वन भी वन को मैप करेगा, चूँकि माइनस वन के स्क्वायर प्लस वन, टू मैप करेगा फोर को, माइनस टू भी मैप करेगा फोर को। इस तरह से इधर देखते हैं, इधर मेनी वन है। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, इधर रियल है डोमेन में, तो इधर का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसका प्री इमेज इधर को डोमेन में हमको मिल जाएगा, इसलिए यह वन वन तो नहीं है लेकिन इधर से ऑन टू है। तो इसीलिए लिख दिए हैं कि एफ इज नॉट वन वन बट ऑन टू। फिर से समझिए, हेंस एफ इज नॉट वन वन, माने वन वन नहीं है बट ऑन टू, और ऑन टू को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव बोलते हैं। बात समझे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं दो का चार, फंक्शन है से रियल के तरह डिफाइंड है, गिवन बाय एफ एक्स बराबर एक्स की। तो इसको सॉल्व करने का नियम था या रूल है कि अगर फिगर बना के बनाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। फंक्शन ऐसे नेचुरल से नेचुरल है, तो दोनों में वन टू थ्री फोर, इधर भी वन टू थ्री फोर होगा, लेकिन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू दिया हुआ है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक का क्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा वन, और दो का क्यू कितना हो जाएगा एट, तीन का क्यू कितना हो जाएगा सत्ताईस। इस तरह से देखते हैं कि इधर वन वन को तो मैप कर गया, वन वन को मैप कर गया, तो इधर से वन वन है, लेकिन इधर से देखते हैं तो इधर पर बहुत सारा ऐसा एलिमेंट है जिसका इधर प्री इमेज नहीं है, तो यह वन वन तो है लेकिन यह ऑन टू नहीं है, इन टू है। देखिए यहाँ गैपिंग है, तो हेंस एफ इज वन वन, और वन वन को ही क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझिएगा आप लोग आराम से। देखिए दिया हुआ है, प्रूव डैट ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह अक्सर एग्जाम में आता है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रूव डैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, थोड़ा कंसेप्ट देख लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। मान लीजिए कि रियल नंबर है, यहाँ है जीरो, इधर है वन, इधर है टू, इधर है माइनस वन, इधर है प्लस वन, माइनस टू, सो ऑन, इस तरह से है। अगर मान लीजिए कि यहाँ कोई पॉइंट है, तो यहाँ कोई पॉइंट होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट हो गया 1.3 हुआ, यहाँ पर हो गया 1.4 हो गया, यहाँ पर हो गया 1.8 हो गया, सो ऑन, इसी तरह से है। तो 1.3, अगर 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेगा तो इसके लेफ्ट में जाएंगे, तो लेफ्ट में जाएंगे तो 1.3 के लेफ्ट में इंटीजर क्या है, वन है, तो इसलिए 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर कोई पूछे तो क्या बताइएगा, वन बताइएगा। 1.5 का भी अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे तो 1.5 के लेफ्ट में, 1.5 यहाँ पर होगा, 1.5 यहाँ होगा, इसके लेफ्ट में इंटीजर क्या मिल रहा है हमको, वन, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहलाएगा, वन कहलाएगा। 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहलाएगा, वन को कहलाएगा। 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहलाएगा, वन कहलाएगा। बात समझे ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट।
तो यहाँ कह रहा है कि प्रूव डैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ रियल टू रियल डिफाइंड है गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट फंक्शन एक्स इज नाइदर वन वन नॉर वन टू वेयर ई सिंबल है डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसीलिए हम यहाँ कर दिए कि फंक्शन रियल से रियल के तरफ डिफाइंड है, तो यहाँ ले लिए एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन हो गया वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, और एफ जीरो लेंगे तो जीरो का जीरो 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 को मैप करेगा। एफ वन पॉइंट टू लेंगे तो वन पॉइंट टू, वन पॉइंट टू फ्रैक्शन है, इसके लेफ्ट में इंटीजर क्या मिला वन, तो वन पॉइंट टू भी वन को मैप करेगा। वन पॉइंट थ्री लेंगे तो वन पॉइंट थ्री, वन पॉइंट थ्री इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर माने लेफ्ट में क्या है इंटीजर वन है, तो वन को मैप करेगा। वन पॉइंट फाइव लेंगे तो वह भी वन को मैप करेगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इधर एक बहुत सारा एलिमेंट एक ही एलिमेंट को मैप कर रहा है, तो इधर से मेनी हो गया, इधर से वन हो गया, तो यह कैसा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इधर से मेनी वन है और इधर से क्या कहते हैं, तो इधर से हो जाएगा इन टू ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इधर कोई भी एलिमेंट लेंगे, इधर कोई भी एलिमेंट लेंगे उसका इधर हमको प्री इमेज मिल जाएगा चूँकि रियल है। तो हेंस एफ इज नाइदर वन वन, नाइदर वन वन बट नाइदर वन वन, नाइदर वन वन बट अन टू, नाइदर वन वन बट अन टू, बट अन टू, नाइदर वन वन बट अन टू। इसी को दूसरा भाषा में कहेंगे कि एफ है ना से मेनी वन है, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन अन टू फंक्शन है, मेनी वन अन टू, और मेनी वन अन टू और अन टू को ही क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं। इसका मतलब हो गया कि एफ इज अन टू और ऑन टू को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इस तरह से हम लोग समझिए कि क्या कहते हैं, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यह वन वन नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, इन टू फंक्शन है, तो इन टू फंक्शन है, तो एफ इज मेनी वन इन टू फंक्शन, मेनी वन इन टू फंक्शन है, तो यह नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, इस तरह से ही गलत हो गया। मतलब एफ इज नाइदर वन वन नॉर अन टू, एफ इज नाइदर वन वन नॉर अन टू, नॉर अन टू का मतलब इन टू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है सो डैट द मॉडुलस फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर गिवेन बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नाइदर वन वन नॉर अन टू वेयर मॉड एक्स इज एक्स If x is positive or zero and mod x is x minus x if x is negative। तो फंक्शन रियल से रियल के तरफ डिफाइंड है और एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, तो जीरो लेंगे तो जीरो जीरो को मैप करेगा, वन लेंगे तो वन वन को मैप करेगा, माइनस वन लेंगे तो माइनस वन भी प्लस वन को मैप करेगा, टू लेंगे तो टू को मैप करेगा, माइनस टू लेंगे तो भी टू को मैप करेगा। इस तरह से देखते हैं कि इधर से मेनी हो गया और इधर से हो गया कोई भी एलिमेंट लेंगे, तो चूंकि रियल है तो इसका इमेज मिल जाएगा इधर। हेंस एफ इज नाइदर वन वन नॉर अन टू, समझे ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन फाइव नंबर क्या कहता है, इसको देखिए। लिखा हुआ है सो डैट द सिग्नम फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर गिवेन बाई एफ एक्स इक्वल टू वन होगा कब, इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। एफ एक्स इक्वल टू जीरो कब, एक्स इक्वल टू जीरो। एफ एक्स इक्वल टू कितना, माइनस वन कब, एक्स लेस देन जीरो। इज नाइदर वन वन नॉर अन टू। अब ध्यान से देखिए, फंक्शन रियल से रियल के तरफ डिफाइंड है और जीरो लेंगे तो जीरो जीरो को मैप करेगा, वन लेंगे तो वन को मैप करेगा, टू लेंगे तो एक से बड़ा है वन को ही मैप करेगा, थ्री लेंगे एक से बड़ा है तो वन को मैप करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और माइनस वन लेंगे तो माइनस वन को मैप करेगा, माइनस टू लेंगे तो माइनस टू को मैप करेगा, माइनस थ्री लेंगे तो माइनस वन को ही मैप करेगा। इस तरह से देखते हैं से इधर मेनी हो गया, इधर वन हो गया, तो देख रहे हैं कि इधर बहुत सारा रियल है तो इधर बहुत सारा नंबर है, तो बहुत सारा नंबर है इसका प्री इमेज इधर नहीं मिलेगा। हेंस एफ इज नाइदर वन वन नॉर अन टू। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू वन टू थ्री और बी इक्वल टू फोर फाइव सिक्स सेवन एंड लेट एफ इक्वल टू वन फोर टू फाइव
36 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो डैट एफ इज 1 1. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 4 5 6 7. और हम इधर फिगर बना दिए, फंक्शन ए से बी के तरफ डिफाइंड है और फंक्शन भी दे रखा है 1 4 2 5 3 6. यानी 1 किसको मैप करेगा, 4 को. फिगर में देखिए 1 4 को मैप कर रहा है. 2 किसको मैप करेगा, 5 को. 2 मैप किया 5 को. 3 किसको मैप किया, 6 को. 3 मैप किया 6 को. हेंस एफ इज 1 1. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 1 2 और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर. देखिए पहला क्वेश्चन क्या देखा दिया है, फंक्शन ऐसे रियल से रियल के तरफ डिफाइंड है और एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x. तो फंक्शन रियल से रियल के तरफ डिफाइंड है, रियल में 0 1 2 -1 -2 ये सब ले सकते हैं. तो 0 लिए तो 3 को मैप किया, 0 3 को मैप किया. 1 लिए तो 1 किसको मैप किया, -1 को. -1 लिए तो -1, तो इस फार्मूला पर सॉल्व करेंगे तो कितना को मैप किया, 7 को. 2 लिए तो किसको मैप किया, -5 को. इस तरह से हम देखते हैं कि इधर 1 1, इधर 1 1 को मैप कर रहा है. इधर से देखिएगा तो इधर से कोई भी एलिमेंट है जिसका अगर हम प्री इमेज लेना चाहेंगे तो इधर मिल जाएगा, चूँकि यह रियल नंबर है. तो हेंस एफ इज क्या हो जाएगा, इधर से 1 1 हो गया, इधर से 2 हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, 1 1 2. अगला देखते हैं क्वेश्चन. एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल से रियल, रियल से रियल के तरफ डिफाइंड है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 + x² और फंक्शन रियल से रियल के तरफ डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू 1 + x² है. तो 0 1 - 1 2 - 2 सभी नंबर ले सकते हैं. तो 0 लेंगे तो एफ 0, तो 1 + 0² 1 आएगा. 1 लेंगे तो 2 आएगा. तो 0 मैप किया 1 के, 1 मैप किया 2 को. -1 लेंगे तो वो भी 2 को मैप करेगा, -1² + 1 हो गया. इसलिए 2 लेंगे तो मैप करेगा 5 को. -2 भी लेंगे तो मैप करेगा कितना, 5 को. इस तरह से देखते हैं, इधर से मेनी 1 हो गया, तो इधर से मेनी 1 हो गया. इधर से कोई भी एलिमेंट लेंगे उसका इधर प्री इमेज हमको मिल जाएगा. तो यह मेनी 1 2, मतलब मेनी 1 2, इसका मतलब हो गया हेंस एफ इज, हेंस एफ इज नॉट 1 1 but 2. क्या बोलेंगे, हेंस एफ इज नॉट 1 1, माने 1 1 नहीं है लेकिन यह 2 है. 2 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव. आगे देखिए, आगे दे रखा है कि लेट ए एंड बी बी सेट्स, मतलब दो को सेट दिया हुआ है ए और बी. सो डैट, किस तरह से दिया हुआ, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, सच डैट एफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब 1 1 2 प्रूव करना है. तो देखिए फंक्शन रियल से रियल के तरफ डिफाइंड है, एफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए. तो एफ 0 1 लेंगे तो 1 0 को मैप करेगा, 1 0 0 1 को मैप करेगा. 2 3 लेंगे तो, चूँकि फंक्शन ही कह रहा है कि जो लेंगे उसको उलट के लिखेंगे, तो 2 3 है तो इधर क्या लिखा जाएगा, 3 2, तो 2 3 3 2 को मैप करेगा. अगर 4 5 लेंगे तो एफ ए बी बनता है बी ए, एफ ए बी बनता है बी ए. तो यहाँ एफ 4 5 है तो इसको 5 4 लिख देंगे, तो 4 5 किसको मैप किया, 5 4 को. इस तरह से हम देखते हैं कि इधर 1 1 हो गया, इधर कोई भी ब्रैकेट लेंगे इसका प्री इमेज इधर मिल ही जाएगा. इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एफ इज 1 1 2. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 + 1/2 इफ़ एन इज ऑड, मतलब 1 3 5 7 9 11 लेंगे तो ऑड लेंगे तो इस फंक्शन में रखना है, और इवेन रहेगा 2 4 6 8 तो n/2 में रखें. चलिए फिगर बना दिए, फिगर से समझना बहुत आसान होता है. तो फिगर से समझना बहुत आसान होता है. तो एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, नेचुरल का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 लेंगे. एफ 1 लेंगे तो एफ 1 लेंगे तो 1 हो गया, एफ 1 लेंगे एफ 1 ऑड हो गया तो ऑड हो गया, तो ऑड इसमें रखेंगे तो 1 + 1 2 2/2 तो कितना आ जाएगा, 1 को मैप करेगा. 2 लेंगे तो 2 लेंगे तो 2 इवन होगा तो इसमें रखेंगे n/2 तो 2/2 तो कितना हो जाएगा, 1, माने 2 1 को ही मैप करेगा. 3 लेंगे तो 3 हो गया ऑड तो इसमें रखेंगे, इस फंक्शन में रखेंगे, इस फंक्शन में रखेंगे ऑड के लिए, तो 3 + 1/2 तो 4 4/2 तो 2 को मैप करेगा. और इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि इधर क्या फंक्शन हो गया, कौन सा फंक्शन, इधर एक से अधिक को 1 मैप कर रहा है, इधर से मेनी हो गया और इधर से 1 1 हो गया. तो यह कैसा फंक्शन है, यह कैसा फंक्शन है, मेनी 1 फंक्शन है. तो इस तरह से हम आप लोगों को क्वेश्चन का
बनाने का तरीका सिखाएं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।